दीपावली का पर्व मानो 22 जनवरी को मनाया जाएगा। घर घर दीप जलाने की तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या से लेकर मध्य प्रदेश में भोपाल में एक परिवार है जहां पर 2000 दिए बनाए जाने की तैयारियां जो हैं वो तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। कैसे 2000 दिए जो है राम नाम के दिए पड़ोसियों को बांटे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी पूरा देश जगमग होगा और दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। धर्मनगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। देश के कोने कोने में जो राम भक्त मौजूद हैं जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन को और खास बनाने की तैयारी में जुटे हुए। भोपाल में क्या कुछ खास हो रहा है हमारे साथ मकरंद काले की एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर का इंतजार सदियों से हिंदुस्तान के लोगों को रहा है, भारत भर को रहा है और इसलिए तैयारियां जोर शोर से सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि अब हिंदुस्तान के घर घर में चल रही हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं राजधानी भोपाल के एक ऐसे घर की जहां पर राम नाम के दिए बन रहे हैं और ये दिए केवल एक घर के लिए नहीं बल्कि आसपास के तकरीबन हजारों घरों में जाएंगे और वहां पर 22 जनवरी को इन दियों में ज्योति जलाई जाएगी। जगह जगह पर ये दिए दिए जा रहे हैं। तकरीबन 2500 घरों में ये दिए देने का टारगेट बनाया है इस परिवार ने और बात करेंगे इन परिवार के लोगों से, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं। एक छोटी बच्ची है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? पारुल मालवीय। पारुल मालवीय, क्या करती है पारुल, कौन सी क्लास में है? फोर्थ। ये क्या कर रही है आप? दिए बना रहे राम के, राम जी के दिए बना रहे। क्यों बना रहे? हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है। राम जी के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कोई भजन आता है आपको राम जी का? जी। कौन सा भजन आता है, सुनाएंगे आप? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवालियां बनाऊंगी, मेरे सारे जन्मों के पाप आज मिटे जाएंगे। राम आएंगे राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, दीप जला के दिवालियां बनाऊंगी, सारे जन्मों के सारे दुख मिटे जाएंगे। राम आएंगे। देखिए तो चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग कितना उत्साह है और जिन्होंने अब जो ये नई पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत अलग तस्वीर ये जरूर बनने जा रही है। अयोध्या से राकेश और गौरव और साथ ही साथ श्वेता भट्टाचार्य भी हमारे साथ में हैं। राकेश, लोगों में बहुत उत्साह है और यही वजह है कि जब 22 तारीख को ये बड़ा पर्व मनाया जाएगा तो लोग जिस जगह पर हैं उसी जगह पर इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी शो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अयोध्या में अभी से लोग आने को बड़े आतुर नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए लोग आने के लिए बड़े आतुर हैं लेकिन हर कोई उस दिन अयोध्या पहुंच पाएगा ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि आप जहां पर हैं वहीं से इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। 22 तारीख को सभी लोग अयोध्या नहीं आइए, अपने घर से, अपने शहर से, अपने नगर से आप दीपोत्सव मनाइए, वहीं पर प्रभु के लिए कार्यक्रम करिए। और देखिए हम अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं लेकिन जिन जिन शहरों में गए हैं अयोध्या के आसपास, मैं मसलन नंदीग्राम तक गया, मसलन दूसरे अगर शहरों की अगर बातचीत करूँ तो वहाँ पर 21 से 22 तक का, मैं नोएडा में रहता हूँ जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पर 21-22 के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन है। सोसाइटी का जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पर हवन भंडारे का कार्यक्रम है। तो इस तरीके से पूरे देश में अलग अलग शहरों में जो लोग जहाँ पर हैं और सांकेतिक तौर पर देखिए जो अक्षत कलश यात्रा हर जगह पहुंची, अक्षत लोगों के घर तक पहुंचाए गए हैं, सांकेतिक निमंत्रण पत्र पहुंचाया गया है, वो हमारे घर तक भी पहुंचा है नैना, मैं आपको बताऊं नोएडा में। तो ये हर घर में इस देश के सबसे बड़े उत्सव के तौर पर जो लोग जहां पर हैं दीपोत्सव के तौर पर इसको सेलिब्रेट करने की तैयारी में है। बिल्कुल राकेश, हर कोई आना चाहता है लेकिन जाहिर सी बात है कई पाबंदियां हैं। गौरव जरा मुझे बताइए 21-22 को लेकर आखिर क्या तैयारियां की जा रही है, किस तरह से गाइडलाइंस जारी की जा रही है, कितनी क्षमता रहेगी अयोध्या में? देखिए अगर हम 21-22 की बात करें तो सिर्फ उन लोगों को इजाजत होगी जो कि जिन्हें आमंत्रित किया गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इसके अलावा मीडिया कर्मियों को इजाजत दी गई और बाकायदा प्रशासन से उनके लिए पास जारी किए जाएंगे, उनकी गाड़ियों के लिए भी पास जारी होंगे। होटल्स में जाकर, घरों में जाकर, धर्मशालाओं में जाकर, भवनों में जाकर डोर टू डोर फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, किराएदारों की सूची मांगी जा रही है और आने वाले अतिथियों की सूची मांगी जा रही है, उनके आधार कार्ड जमा किए जा रहे हैं, सारी तैयारियां जो हैं
वो किस हिसाब से की गई हैं कि 21 और 22 को कोई भी ऐसा अवांछित व्यक्ति ना हो जिसका प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से कोई लेना देना ना हो। इसके अलावा जो लोग आम श्रद्धालु आएंगे उनको पूरी तरह से यहाँ पर आने पर पाबंदी 2 दिनों के लिए होगी। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी है, जो पर्सनल स्टाफ है, उनको ही रहने की इजाजत होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो पूरे अयोध्या को डिवाइड किया गया है, अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है और उसी के हिसाब से वहां पर जो है आवाजाही की इजाजत होगी। लेकिन जाहिर तौर पर एक बहुत ही मुश्किल और बेहद ही टफ टास्क वाला जिसे कहा जाए सिक्योरिटी के लिहाज से ये इवेंट है। और ऐसे में इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या भी पहुंचे हैं, बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, निर्देशित करेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ और नया है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़े लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर।